आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह की बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर बड़े विमान हादसे की पुष्टि हुई है। कल जकार्ता से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था विमान, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो विमान क्रैश हो गया और इस विमान में 12 क्रू मेंबर समेत कुल 62 यात्री सवार थे। ये सभी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि जावा के समंदर में विमान का कुछ मलबा तलाश किया गया है। तफ्तीश अभी भी जारी है। गोताखोरों की मदद से ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है और इसी के मिलने पर ही विमान हादसे की सही वजह का पता चल पाएगा। 62 लोग इसमें सवार थे। आगे बढ़ेंगे। कल पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बैनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मिशन बंगाल पर निकले नड्डा ने बंगाल की आन बान शान की कहानी बताई और लोगों को बताया कि किस तरह ममता राज में इसे ध्वस्त किया गया है। नड्डा ने किसानों को भी लुभाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती। ममता जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल की जनता के मन से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास। नड्डा भले ही बंगाल से दिल्ली लौट आए, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ा गया। नए साल में बंगाल चुनाव से पहले वैसे तो बीजेपी अध्यक्ष की पहली यात्रा थी, लेकिन वो दीदी पर किसी भी हाल में ममता दिखाने के मूड में नहीं दिखे। शनिवार को दिन भर टीएमसी सरकार पर सीरियल अटैक जारी रहा, जिसकी झलक दिन की शुरुआत से लेकर शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक देखने को मिली। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत यहां दर्ज कराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा। मिशन बंगाल के एक दिन के दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल की अस्मिता संस्कृति के तार छेड़ दिए, बीजेपी को रक्षक बताया, जबकि ममता सरकार पर बंगाल की माटी से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को सोनार बांग्ला के सपने की याद दिलाई। भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान है। यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और दूसरा राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है, और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। वैसे तो बंगाल में फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट का भी गजब का क्रेज है, लिहाजा वनडे सियासी दौरे के दौरान नड्डा ने फ्रंट फुट पर जमकर बल्लेबाजी की, बंगाल की कानून व्यवस्था पर चोट किया। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी के करीब 130 पदाधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, कुल मिलाकर 300 बीजेपी समर्थकों की जान गई है। साथ ही उन पलों को भी लोगों को याद कराया जब वो पिछली बार बंगाल के दौरे पर आए थे और उनके काफिले को निशाना बनाया गया था। बीजेपी के मिशन बंगाल के दौरान जेपी नड्डा ने किसानों के भी मन को टटोला और एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत की। बंगाल के 74 लाख किसानों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। किसान के घर बैठकर खाना खाया, राधा गोविंद मंदिर में पूजा पाठ की और फिर रोड शो के जरिए ममता को ललकारा। किसानों से चावल का दाना दाना बटोरने के बाद नड्डा ने ममता से पाई पाई का हिसाब मांगा तो टीएमसी ने भी पलटवार किया। दिल्लीर दिके ताकिए देखुन,
সেখানে তো একটুখানি সময় লাগে 40-45 মিনিট সময় লাগে সেই কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে কিন্তু সেই শোনার সময় তাদের হয়নি এখানে ঘোরাফেরার সময়টা বার করে নিয়েছেন अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने गेम सेट कर दिया है, एजेंडा तय है। नए साल की शुरुआत में ही जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को बता दिया कि जब आगाज धारदार हुआ है तो अंजाम भी चौंकाने वाला होगा। वर्धमान से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में अलकायदा ने पैर पसार लिए हैं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद धनखड़ ने ममता राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में जगह जगह पर बम की फैक्ट्री खुल गई है और इस बयान के साथ ही दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासत गर्मा गई। सिक्योरिटी एनवायरमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है, अलकायदा ने पांव पसार लिए। बंगाल चुनाव की तारीख का भले ही पता नहीं लेकिन आतंकी संगठन अलकायदा का पता जरूर चल गया है। बंगाल के राज्यपाल का ये खुलासा चौंकाने वाला है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की माने तो बंगाल के हालात बेहद संगीन हैं। राज्य में जगह जगह बम की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। सिक्योरिटी एनवायरमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है, अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट, बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है ये ओपन सीक्रेट है। उनके ऊपर किन किन का क्या बोसिज्म है, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं वी आर हैविंग पॉलिटिकल पुलिस। जिस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में ममता को ललकार रहे थे करीब करीब उसी वक्त दिल्ली से बंगाल के राज्यपाल ममता सरकार पर प्रहार कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद धनखड़ का ये बड़ा खुलासा सामने आया। राज्यपाल धनखड़ की माने तो वो बंगाल के हालात की जानकारी केंद्र को देने पहुंचे थे। हालांकि अमित शाह से क्या बात हुई ये नहीं बताया लेकिन बंगाल की रक्त रंजित चुनावी इतिहास की याद जरूर दिलाई। 2021 ऐसा वक्त है, प्रजातांत्रिक युग है, डेमोक्रेटिक नेशन के लिए इससे बड़ा ये कोई होता नहीं है। इस यज्ञ के अंदर हर मतदाता को अपनी आहुति देनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। उसका मापदंड एक ही हो कि पूरा कार्य संविधान की धाराओं के अनुरूप हो, नियम के अनुसार हो, चुनाव रक्त रंजित नहीं हो और सरकारी कर्मचारी राजनीतिक काम न करें। धनखड़ के ये बयान टीएमसी को धक से लग गए। ममता की पार्टी को ये कतई मंजूर नहीं कि उनकी सरकार के बारे में ऐसे बयान दिए जाएं। वैसे तो राज्यपाल किसी पार्टी विशेष के नहीं होते लेकिन धनखड़ का ममता से 36 का आंकड़ा है और उनके मौजूदा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अलकायदा की बात छेड़कर बंगाल में ध्रुवीकरण की तैयारी है? क्या वाकई अलकायदा ने पश्चिम बंगाल में पैर जमा लिए हैं? क्या वाकई बंगाल में बम फैक्ट्री जगह जगह खुल गए हैं? क्या बंगाल चुनाव में ऐसे बयान से हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? बंगाल में ओवैसी के कूदने से ममता बनर्जी पहले ही परेशान हैं और उस पर धनखड़ का मौजूदा बयान चुनावी रास्ते में ममता के लिए कांटे बिछा सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है जिसे जानना जरूरी है। चुनाव में मुस्लिम वोटरों का पैटर्न बताता है कि जीत में वो एक बड़ा फैक्टर है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा क्योंकि मुस्लिम दीदी के साथ खड़ा रहा। जाहिर है अगर वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ तो ममता का खेल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि ममता सरकार के लिए इससे निपटना आसान नहीं। बर्धमान से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 16 जनवरी 2021 ये भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन डे की तारीख है। सरकार ने कल ऐलान कर दिया है कि अगले शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह खुशखबरी दी। तारीख का ऐलान करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की तैयारियों पर एक हाई लेवल बैठक भी की है।
तैयारियां परखी जा चुकी थी, वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी थी। वैक्सीन ऑफ मेसर्स सीरम एंड भारत बायोटेक आर बीइंग अप्रूव्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। इंतजार था तो बस एक चीज का, जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। आज वो तारीख भी मिल गई और वो तारीख है 16 जनवरी 2021, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगी, क्योंकि इस तारीख से भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत और कोरोना के अंत का शंखनाद करेगा। अब बस कुछ ही दिनों में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और जिस दिन का सबको इंतजार था वो है 16 जनवरी, जब भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिर्फ तारीख का इंतजार था, वो भी आ ही गई। ये पहले ही तय हो चुका था कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का, इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना की वैक्सीन पहले किसे और कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी और स्टोरेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 3,000 सोलर रेफ्रिजरेटर के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं, ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। तैयारी पूरी है और इस तैयारी को एक नहीं बल्कि 2-2 बार परखा जा चुका है, देशव्यापी ड्राई रन चलाकर, जिसमें वैक्सीन को छोड़कर बाकी सारी चीजें और व्यवस्था बिल्कुल असली थी। और अब 16 जनवरी से वैक्सीन भी असली होगी, लेकिन वैक्सीन कौन सी होगी इस पर सस्पेंस है। दरअसल देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, पहली कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और दूसरी कोवैक्सीन जो हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब में तैयार हुई है। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, लेकिन इसको लेकर विवाद है क्योंकि इसके ट्रायल के नतीजे आने से पहले ही इसे मंजूरी दी गई है। यानी दोनों वैक्सीन साथ लगेंगी या सिर्फ अभी कोविशील्ड लगेगी ये तय नहीं है। वैसे तय तो अभी वैक्सीन का रेट भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी कह चुके हैं कि रेट जो भी होगा आम आदमी पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है, वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। तो कीमत की चिंता छोड़ दीजिए, कौन सी वैक्सीन लगेगी ये भी मत सोचिए, बस खुश हो जाइए कि वैक्सीन लगेगी और कोई नानुकुर नहीं चलेगी, सबको लगवानी ही पड़ेगी। जिसका इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन आ गई
सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तो आ रही है, मगर इससे पहले दिल्ली में एक और दहशत फैल गई है और ये दहशत है बर्ड फ्लू की। दिल्ली में लगातार हो रही पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई फैसले लिए हैं, मगर पोल्ट्री फार्म्स में सन्नाटा पसरा है। लोग अंडा और चिकन खाने से बच रहे हैं। एक तो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे थे, अब बर्ड फ्लू की आहट भी सुनाई देने लगी। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में पक्षियों की मौत ने दहशत को और बढ़ा दिया है। दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क में 17 कौओं की मौत, दिल्ली के द्वारका में डीडीए पार्क में 2 कौओं की मौत, दिल्ली के संजय झील में 10 बत्तखों की मौत से हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि इन पक्षियों की मौत क्यों हो रही, क्या इसे दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक माना जाए। सरकार जवाब तलाश ही रही थी कि एहतियात के तौर पर गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इम्पोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इम्पोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली का आकाश बर्ड फ्लू की दहशत से भर गया है। हालांकि अभी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं हुई, मगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार मरते हुए पक्षी चिंता बढ़ा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम ने मरे हुए पक्षियों के सैंपल लिए हैं। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है। दिल्ली में पार्कों की साफ सफाई हो रही है। लोगों को कहा गया है कि कहीं मरे पक्षी दिखे तो पास ना जाएं। फौरन प्रशासन को इतला करें। हेल्पलाइन नंबर 2389-0318 जारी कर दिया गया है। जिंदा पक्षियों की आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्वेलेंस टीम बना दी गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।